हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको मसालेदार बेसन वाली अरवी की सूखी सब्जी बनाना बताऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम अरवी ली हैं, जिसको हमने उबाल लिया था। उबालने के बाद इसको हम छील लेंगे और उसको लंबाई में काट लेंगे। अरवी बहुत ज़्यादा उबली नहीं होनी चाहिए कि वो एकदम से घुल जाए, यानी पीसीस अच्छे से कटने चाहिए। साथ ही हम लेंगे कटा हुआ हरी मिर्च, अदरक महीन कटा हुआ। इसी के साथ हम लेंगे, एक बाउल में हम बेसन लेंगे, यानी एक बड़ा चम्मच हमने बेसन लिया है। अब एक कढ़ाई में बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी धीमी गैस पर इसको भुनेंगे। देखिए बेसन हमारा भुन गया है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल लेंगे, ऑयल में पहले हींग डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया डालेंगे, करीब एक चम्मच हम सूखा धनिया डालेंगे। और बहुत धीमी गैस पर इसको भुनना है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, सभी चीज़ें हमें ऑयल में डालनी है बहुत स्लो गैस पर। अदरक, हरी मिर्च, इस तरीके से मसाले में एकदम अलग से फ्लेवर आते हैं। साथ ही अब इसमें हम जो भुना हुआ हमने बेसन है उसको डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यानी इसमें हमें बिल्कुल अदरक, लहसुन, प्याज कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करा है। तो इसको हम सभी फेस्टिवल्स पर, शायद में कभी किसी भी टाइम पर इसको बना सकते हैं। खटाई डाली और देखिए कितनी जल्दी बन जाती है। यानी हमने अरवी उबाली, अगर हमारे पास रखी है तो आप तुरंत ही 10 मिनट में इसको बना सकते हैं। अब इसमें हमने अरवी डाली और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आमतौर पर त्योहारों पर जब भी पक्का खाना बनता है तो आलू की सब्जी अरवी की सब्जी बनती है। तो आलू अरवी को एक साथ भी हम बॉईल कर सकते हैं, जब हमें जल्दी होती है बनाने में तो टाइम की सेविंग हो जाती है और जल्दी खाना बनता है। अब इसमें नमक डाला और इसको धीरे धीरे इसको एकदम आराम से पलटेंगे ताकि वो एकदम टूट ना जाए। उसके बाद इसको हम खुली गैस पर इसको थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे। तो मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ऊपर से आप इसमें हरा धनिया डालें, गरम मसाला डाल दें थोड़ा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसी तरीके से नई नई डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम आलू की कचौड़ी की सब्ज़ी बना सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से मैं आपको बताऊंगी अपने आने